नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की। आगरा बस हाईजैकिंग मामले में मुख्य आरोपी प्रदीप गुप्ता गिरफ्तार। 41 साल के पॉपुलर आर्टिस्ट राम इंद्रनील कामत की मौत, बाटम में मिली लाश। दिल्ली गुरुग्राम में तेज बारिश, फिर जल जमाव, कई जगह पर ट्रैफिक जाम। फिर बढ़े पेट्रोल के दाम, दिल्ली में 81 रुपए पर पहुंचा भाव। आगरा में महिला डॉक्टर की हत्या, पुलिस ने साथी डॉक्टर को किया गिरफ्तार। कोरोना की काट बनेगा नीम, भारत में शुरू होने जा रहा है मानव परीक्षण। गैंग्स ऑफ फिल्मिस्तान का प्रोमो आउट, माधुरी के अवतार में देखिए शिल्पा शिंदे। जम्मू कश्मीर के हंडवारा एनकाउंटर में लश्कर के 2 आतंकवादी ढेर। पूर्व पीएम राजीव गांधी की जयंती आज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी श्रद्धांजलि। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9 लाख टेस्ट, 8% से नीचे पॉजिटिविटी रेट। नेपाल में भारी बारिश, 6 लोगों की मौत व 17 लोग लापता। हैदराबाद में सुरक्षा एजेंसियों ने 52 किलो ड्रग्स किया जब्त। खेल पुरस्कारों की इनामी राशि में होगी 3 गुना बढ़ोतरी, अब खेल रत्न को 15 और अर्जुन को मिलेंगे 15 लाख। वाशिंगटन में अमेरिका ने हांगकांग से 3 व्यापारिक समझौते खत्म किए। दिल्ली से मधुबनी जा रही बस आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर पलटी, 30 लोग जख्मी। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भारी बारिश, रिहायशी इलाकों में घुसा पानी। ओडिशा में स्पेशल टास्क फोर्स ने कोरापुट में एक ट्रक से 474 किलो गांजा जब्त किया, 2 लोग गिरफ्तार। यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू। स्टार ट्रैक और चैरियट्स ऑफ फायर के अभिनेता बेन क्रॉस का निधन। सोशल मीडिया पर उठी बॉबी देवल की वेब सीरीज आश्रम को बैन करने की मांग, धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप। रिया चक्रवर्ती की औकात पर बोलने के बाद बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने मांगी माफी। यूईएफए चैंपियंस लीग में बायर्न म्यूनिख और पीएसजी के बीच होगा फाइनल। प्राग ओपन के क्वार्टर फाइनल में नागल, 3 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता वावरिंका से होगा मुकाबला। पूर्व भारतीय गोलकीपर भास्कर मैथी का 67 साल की उम्र में निधन। सुशांत सिंह मामला, सीबीआई जांच पर शरद पवार का तंज, दाभोलकर जैसा हाल ना हो।